Hello children, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are in good health. In previous video we have started lesson 11, that is energy from food, class 5 EVS. Let me recall you what we have studied yet. We have studied about that we get energy from food. What is digestion? What are the main organs of digestive system? What are the functions of the organs that are involved in the digestive system? इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि how food get converted into digested nutrients, means खाना जो है वो digested nutrients में कैसे convert होता है और कहाँ जाता है. How undigested food is removed from our body, जो खाना digest नहीं हो पाता है वो बाहर कैसे जाता है, वेस्ट बन जाता है ना वो, तो वो बाहर कैसे जाता है, ये सब हमने कल पढ़ा था. उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे खाना, कहाँ से खाना शुरू होता है जाना और कहाँ से निकलता है, जैसे माउथ से एंट्री. आप सबको मालूम है, आप सब बच्चे माउथ से खाना खाते हो. देन फूड गोज टू ईसोफेगस, दैट इज़ फूड पाइप. देन इट गोज टू स्टमक. देन इट गोज़ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाता है. देन इट गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस. इट मीन्स रेक्टम एंड एनस आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. आज हम यहीं से पढ़ने वाले हैं, पेज 67. दे हेल्प रिलीज वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो रेक्टम और एनस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यही दोनों हमें बॉडी से वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालने में हेल्पफुल है. अब हम पढ़ेंगे कि खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका था, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका था, उसका क्या होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एंड पासिस देम ओवर टू द ब्लड. अब वहाँ पर खाना जो डाइजेस्ट हो गया है उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड के पास चला जाता है वो सारा, और ब्लड जो है हार्ट के पास जाता है. ब्लड कैरीज टू द हार्ट. हार्ट सेंड्स ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. अब हार्ट का क्या काम होता है. हार्ट, आपको अभी शायद इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कि हार्ट जो है इम्प्योर ब्लड को पंप करते हैं. जब हार्ट पंप होता है तो वो प्योर ब्लड को सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजता है, तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सारी बॉडी के थ्रू के पास पहुंच जाते हैं. ग्लूकोज इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, और इसमें जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट है वो है ग्लूकोज. आपको मालूम ही होगा कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. घर में भी हम कभी कभी हम फील वीक करते हैं तो हम कहते हैं कि वीक फील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है. ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. हमें ग्लास में 2 चम्मच ग्लूकोज के पी लें तो हमें काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील होता है. तो ग्लूकोज इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड इट गिव्स एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब ये एक्टिविटी करवाई हुई है इन्होंने. एक्टिविटी में समझ लीजिए इसमें क्या है, जो बच्चे करना चाहें मोस्ट वेलकम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स का एनेक्ट करना है, लाइक कटआउट्स बनाने हैं आपने. जैसे आपने सबसे पहले माउथ का बना लिया, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस एट्सेट्रा. और उसको इस तरीके से बनाना है कि आपकी बॉडी पे वो वियर कर लें. जैसे इन्होंने लिखा है, लेट द स्टूडेंट्स वियर देम अराउंड देयर नेक्स. द स्टूडेंट हैव टू कम फॉरवर्ड वन बाय वन एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ऑर्गन. आप इसको ना करके आप सिंपली अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ाया है, और उसके बारे में समझें और वो उसका फंक्शन याद करें और समझ भी लें. ये कहने का मतलब यही है, डाइजेशन की प्रोसेस समझाना चाहते हैं. अच्छा, अब एक बहुत अच्छी स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर कि आपको मालूम है ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे आई. इट इज़ वेरी वंडर्ड. क्या हुआ था, एक बार एक्सीडेंट सॉरी इट वॉज़ एन एक्सीडेंटल वूंड इन द स्टमक ऑफ यंग अमेरिकन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन. एक बच्चा था सेंट मार्टिन, यंगस्टर ही था समझ लो, और उसके पेट में एक वूंड हो गया था, और उसका इलाज कौन कर रहे थे, डॉक्टर विलियम बेमोंट. वो एक सर्जन है यूएस आर्मी में, और वो उनकी इंजरीज का इलाज कर रहे थे. तो जब इलाज करते करते वो तो हील हो गया वूंड, लेकिन उनके अंदर एक होल रह गया स्टमक में, और वो इतना बड़ा होल था कि उसके अंदर फिंगर भी इंसर्ट हो जाती थी बड़ी इजीली. तो डॉक्टर बेमोंट यूज्ड दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक. बिकॉज़ आपको ये तो मालूम ही है कि एक इंसान मर जाता है तो उसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं देख सकते हैं.
ऑर्गन्स को जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज़ जा रही है, कैसे डाइजेस्ट हो रही है, क्या एंजाइम, कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट है और वो किस तरीके से खाने को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, वो सब हम नहीं समझ सकते, ये एक लिविंग बॉडी में ही समझ सकते हैं। तो ये डॉक्टर जो बेमोंट था उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया कि उसके पेट में हॉल है, तो उसने क्या किया, ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट बाय टाइंग अ पीस ऑफ फूड टू अ स्ट्रिंग एंड इंसर्टिंग इनटू हिज स्टमक। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि उसने हॉल के अंदर स्ट्रिंग के थ्रू फूड डाले और उसको कुछ टाइम के लिए वहाँ रखा, फिक्स टाइम रखा कि हम मैंने अब डाला और अब निकालना है, और फिर उसके चेंजेस को नोट किया, जैसे कि ही ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड द गैस्ट्रिक जूस। आपको मालूम है हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, तो उन सबको भी एक्सट्रैक्ट किया और उनको अलग अलग फूड आइटम्स के साथ स्टडी किया, उसके इफ़ेक्ट्स को जाना। ही स्पेंट अराउंड 9 years ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन सेंट मार्टिन स्टमक एंड एनलाइटन्ड द होल वर्ल्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आर स्टमक। तो उसको 9 साल लग गए सेंट मार्टिन्स के स्टमक के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते, और तब जाके हमारे स्टमक का जो फंक्शन है पूरे वर्ल्ड के सामने आया है। ना बड़ी हैरानी की बात और कमाल की, वेरी ग्रेट मैन हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट इज, हैव यू सीन अ पेशेंट बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप इन अ हॉस्पिटल। क्या आपने कभी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में ग्लूकोज ड्रिप चढ़वाते हुए देखा है? देखा ही होगा, आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग होंगे, कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, तो सबसे पहले उनके जाके ग्लूकोज ही चढ़ता है, क्योंकि कहते हैं कि एनर्जी जो है इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, और जो बंदा वीक है वही हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले तो वो ग्लूकोज ही चढ़ा देते हैं और उसी में इंजेक्ट करते रहते हैं जो भी उनके मेडिसिन वगैरह होती है। नॉर्मली वी गेट ग्लूकोज इन आर बॉडी बाय डाइजेस्टिंग फूड। ज़्यादातर हमें अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज मिलता है वो हमारे खाने से मिलता है जो डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे कि रोटी, चपाती, चावल, पटेटो, ब्रेड एक्सेट्रा। दिस ग्लूकोज इज यूज बाई द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। समटाइम्स अ पर्सन नीड्स क्विक एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल, वैन अ पर्सन इज सिक, अगर वो बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया या डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है उसमें, तो डायरिया की वजह से, तो इन सच केसेस डॉक्टर्स इंजेक्ट ग्लूकोज डायरेक्टली इनटू द फूड, इनटू द ब्लड ऑफ दैट पर्सन, सो दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली बाय द बॉडी। तो डॉक्टर्स अभी यही मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा देते हैं और उसके अंदर इंजेक्ट करते रहते हैं जो भी उससे रिलेटेड मेडिसिन होती है। देन फूड फॉर हेल्दी बॉडी। हमारे स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का फूड हमें चाहिए और हमें कैसे लेना चाहिए वो। हेल्थ ऑफ आर फूड डिपेंड्स अलॉट ऑन द फूड वी ईट। हमारी हेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कैसा खाना खाते हैं, कब खाते हैं। नंबर वन, आर फूड शुड बी होलसम, इट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये नहीं है कि अगर हम एक दिन रोटी खा रहे हैं तो बस रोटी 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 खाते रहें, हमें हर चीज़, रोटी, चावल, सब्जी, पल्सेस, हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बैलेंस्ड डाइट है ना उसमें हर तरह का फूड होता है। बैलेंस डाइट लेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, बीमारियों से बचने की शक्ति, ये सब हमें हमारे खाने से ही मिलती है। तो वी शुड हैव बैलेंस्ड डाइट। देन द फूड शुड कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स। ये रफे मिलता है हमें, मैंने आपको पढ़ाते हुए पहले भी बताया था कि फाइबर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए, तो हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें फाइबर्स होते हैं। द नेक्स्ट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फूड शुड बी सफिशेंट। हाँ, ये खाना जो है पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम खाओगे तो आपका भूखे रह जाओगे और ज़्यादा खाओगे तो आपका पेट फूल जाएगा। तो ईटिंग टू लिटल और टू मच आर बोथ हार्मफुल। नेक्स्ट इज, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये तो बहुत बड़ा तथ्य है कि हमें रोज़ाना कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है हमें हर बीमारी से दूर रखता है और हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ही, हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वी शुड ऑलवेज च्यू आर फूड प्रॉपरली। हमें अपना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए अच्छे से। टू मच ऑफ फैट्स इन फूड शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा फैट नहीं, घी, बटर, इन सब का यूज़ नहीं, क्योंकि ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, और एक बार शरीर में मोटापा घुस गया तो बीमारियों का घर है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपने फूड, अपनी डाइट, सब चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें किस टाइप से खाना खाना है। नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश, नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड।
नंबर वन, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो खाना कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलता है तो उसे डाइजेशन कहते हैं. इसके मेन ऑर्गन्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब हैं. ये हमारे माउथ से शुरू होता है और माउथ में हमारा सलाइवा होता है जो ब्रेक करता है स्टार्च इंटू शुगर, तभी हमारा खाना हमें लास्ट तक जाते जाते स्वीट लगने लग जाता है. नंबर फोर, स्टमक प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड चेंजेस द फूड इंटू फ्लूइड फॉर्म कॉल्ड चाइन. ये मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था कि स्टमक में खाना कुछ देर के लिए ठहरता है और वो कन्वर्ट हो जाता, मिक्स हो जाता है अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और एक फ्लूड बना लेता है जिसे चाइन कहते हैं. लीवर और पैनक्रियाज, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस अपने प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में और उनके साथ खाना मिक्स हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. सबसे मेन, मैंने आपको कल भी समझाया था कि सबसे मेन जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टेकन बाय द ब्लड टू हार्ट. ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कौन ले गया, ब्लड ले गया, और ब्लड कहाँ चला गया, हार्ट तक. हार्ट जो है वो फूड और ऑक्सीजन को इन जो कि ब्लड में ही इन्वॉल्व हैं, डिसॉल्व्ड हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जाएंगे. देन एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी. तो इस तरीके से जो ग्लूकोज है या एनर्जी है या ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचती है ब्लड के थ्रू. देन ग्लूकोज इज इंजेक्टेड इन टू द ब्लड फॉर ऑब्टेनिंग क्विक एनर्जी. समटाइम्स वी फील सिक और डिहाइड्रेशन की वजह से ग्लूकोज को इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में क्विक एनर्जी हमें मिल सके. वी शुड टेक होलसम फूड इन राइट क्वान्टिटी फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ हमें चाहिए तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हर तरह का खाना खाना है, ये नहीं कि एक ही तरह का खाना रोज़ खाते रहें. बैलेंस्ड में सब कुछ आएगा, कर्ड से लेकर बटर से लेकर, हाँ उनकी जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, रोटी, चावल, सब कुछ हमें ठीक मात्रा में खाना है. ये तो था आपका चैप्टर एनर्जी फ्रॉम फूड. नाउ द चैप्टर इज फिनिश. आपको आई होप यू हैड अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी मच. इसको चैप्टर को गो थ्रू कीजिए वन टाइम टू टाइम. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें. बाय बाय.